एपिसोड नंबर 113 की स्टार्टिंग होती है और वानमई का फोन रिंग होने लगता है और फिर वानमई फोन देखती हुई मन में कहती है अंटी जाओ। और फिर वानमई फोन उठाती है और कहती है क्या बात है अंटी जाओ। और फिर अंटी जाओ उससे कहती है वानमई मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा की अस्थि रखी हुई है तो क्या तुम उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी कि यहीं रहने दूंगी। फिर वानमई उनसे कहती है इस वीक के एंड में मैं वहां आकर उन्हें ले जा लूंगी। अंटी जाओ उससे कहती है ठीक है वानमई और तुम अपना ख्याल रखना। और फिर सीन शिफ्ट उतर में एक हफ्ते बाद समय दिखाया जाता है जहाँ वानवी अपनी ग्रैंडमा के घर आ जाती है और घर को देखते हुए मन में कह रही होती है ग्रैंडमा सच में मुझे छोड़कर चली गई और अब ये घर सच में एक भूतिया घर लग रहा है। और फिर अंटी जाओ उसे देख कहती है वानवी तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हुई हो और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है आओ अंदर चलो। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वानवी इधर उधर देख रोती हुई कहती है अंटी जाओ मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रैंडमा मुझे छोड़कर चली गई और वो ऑपरेशन के बाद तो ठीक हो गई थी लेकिन वो अचानक मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। और फिर अंटी जाओ उससे कहती है वानवी मैं तुमको पहले ये बात बताना भूल गई जिस दिन तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हुई उस दिन घर में कोई आया था। ये सुन वानवी शॉक्ड हो जाती है और उनसे कहती है कौन आया था। और फिर अंटी जाओ सोचती हुई कहती है मैं उसका नाम तो नहीं जानती लेकिन उसका सरनेम लीन था और उस लड़की के लंबे बाल थे और वो अहंकार से भरी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही अमीर परिवार से है। उनकी बात सुन वानवी हैरानी से मन में कहती है क्या उसका सरनेम लीन था कहीं वो यायो की बात तो नहीं कर रही। और फिर वानवी अंटी जाओ का हाथ पकड़ती हुई उनसे कहती है अंटी जाओ वो यहाँ पर क्यों आई थी। फिर अंटी जाओ उससे कहती है मुझे लगता है कि वो तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने आई थी लेकिन ये मैं यकीन से नहीं कह सकती क्योंकि उस समय मैं बाहर गार्डन में थी लेकिन मैंने सुना कि वो तुम्हारा नाम ले रही थी और कह रही थी कि तुम एक बेशरम लड़की हो जो दूसरे के मंगेतर को बहकाती है। ये सुन वानवी पीछे हटती हुई कहती है क्या। और फिर अंटी जाओ कहती है उस लड़की की बातें सुन तुम्हारी ग्रैंडमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ये सब सुन वानवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मन में कहने लगती है तो ये बात है और इसीलिए ग्रैंडमा मुझे अचानक छोड़कर चली गई याओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वानवी पलट वहां से जाती हुई अंटी से कहती है अंटी जाओ मैं अस्थिया किसी और दिन आकर ले जाऊंगी। और वहीं अंटी जाओ चिल्लाती हुई उससे कहती है वानवी तुम इतनी तेजी से कहां जा रही हो। और फिर वो मन में कहने लगती है ये लड़की कहीं कोई बेवकूफी वाला काम तो नहीं करने वाली है। और फिर सीन शिफ्ट उतर में लू और यायो दिखाए जाते हैं जहाँ यायो लू से कह रही होती है बहन लू आपकी प्लानिंग बहुत ही सही रही चांगवन और वानवी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और फिर लू उससे कहती है यायो इस बार तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया और अगर तुम वो फोटो नहीं खींचती तो चांगवन उससे नाता कभी नहीं तोड़ता। और फिर यायो कहती है हाँ और वानवी खुद को समझती क्या है कि वो कौन है और वो ये सोचती है कि वो आपसे चांगवन को छीन सकती है। और फिर लू चेस करती हुई कहती है सही कहा चांगवन सिर्फ मेरा हो सकता है और किसी का नहीं। और गाइस के साथ एपिसोड नंबर 113 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।